सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस साइकिल के बारे में, अप्रोच कंप्लीटली अलग होगा। व्हेन आई से अलग, इट मींस कि हम लोग को नोट्स बनाना है, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक आउट योर कॉपीज एंड गिव द टाइटल बिजनेस साइकिल। साथ साथ में नोट्स बनाना है, काफी इजी चैप्टर है एंड काफी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, किन किन फेजेस में बिजनेस साइकिल ऑपरेट करते हैं। जैसे सबसे पहला फेज होता है एक्सपेंशन, या फिर अपस्विंग भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, लोग आगे जाके पढ़ेंगे। अगला फेज होता है पीक, आफ्टर दिस कॉन्ट्रैक्शन, फिर आता है डिप्रेशन एंड लास्ट में वापस से एक्सपेंशन। ये जो डिप्रेशन से एक्सपेंशन में जाने वाला स्टेज होता है, इसको अपन बोलते हैं रिकवरी। तो सबसे पहले भैया बिजनेस साइकिल क्या है, इसको समझने के लिए वापस हम लोग को बचपन वाला पढ़ाएंगे जाना। याद है वाटर साइकिल पढ़े थे हम लोग? वाटर साइकिल में क्या होता है, आसमान से बारिश होता है, वो पानी जमीन पे गिरता है, फिर उसको धूप से, धूप के कारण, सूरज के कारण वो इवेपोरेट होकर वापस बादल बनता है। And this cycle goes on. When we say cycle, we mean a circular path. देखो cycle में wheel होता है ना, और ये wheel गोल गोल घूमता है, तो कभी भी cycle बोलते हैं, यानी कि एक loop है जो never ending, ऐसे ही होते रहेगा सारा काम। तो यहाँ पे हम लोग उसके बारे में जानने वाले। सबसे पहले expansion के बारे में जानते हैं। पहला स्टेज expansion। सीधे सीधे वर्ड में बोले तो इसका मतलब होता है स्टेडी ग्रोथ, मतलब धीरे धीरे करके बढ़ना। इसके बारे में बात करें तो यहां पे इंक्रीज इन, इस पर्टिकुलर स्टेज में इंक्रीज इन किसी भी बिजनेस का क्या क्या इंक्रीज होगा ये जानना। उसका नेशनल आउटपुट, जो वो पूरे नेशन में आउटपुट दे रहा है, उसमें इंक्रीज आएगा। फॉर एग्जांपल टाटा का एक्सपेंशन फेज में, टाटा का एक पर्टिकुलर, मानो टाटा का जो मिनरल वाला हिस्सा है, या फिर टाटा का जो कोल वाला हिस्सा है, वो एक्सपेंशन स्टेज में है। वो वाला जो पोर्टफोलियो का हिस्सा है, वो एक्सपेंशन स्टेज में, तो वो देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे इस टाइम। अच्छा, और तो और उस चीज का प्रोडक्शन का जो प्रोड्यूस कर रहा है, उसका डिमांड भी बढ़ा रहेगा। एग्रीगेट डिमांड जो है उसका, वो भी इस स्टेज में बढ़ा हुआ होता है। और अभी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा, तभी ज्यादा बना पाएंगे। अच्छा, जो बन रहा है उसका अगर डिमांड हो रहा है, तो उसका कंज्यूमर का जो एक्सपेंडिचर है, कंज्यूमर का जो खर्चा है उस कोल के ऊपर, वो भी काफी ज्यादा होगा। जब कंज्यूमर ज्यादा खर्चा कर रहा है, हम ज्यादा बना रहे हैं, डिमांड ज्यादा है, तो हम क्या कर रहे हैं सबसे ज्यादा, कंज्यूमर को हम कैसे देते हैं, वो टर्म को क्या बोलते हैं जिससे एक सेलर एक बायर को संभाल देता है, सेल्स। तो सेल्स भी इंक्रीज होगा। अच्छा, सेल्स इंक्रीज हो रहा है, मानो कुछ भी प्रोड्यूस कब तक करेगा, जब तक प्रॉफिट ज्यादा। तो इस स्टेज में हम लोग का सेल्स बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर बढ़ा, इसके कारण कंपनी का कैसा इमेज बन रहा था मेरे दिमाग में, टाटा कूल कैसा लग रहा है एक्सपेंशन से, भैया बड़ा अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा बिजनेस लग रहा है। तो तुमको अगर हम ऑफर करेंगे, क्या तुम उसका शेयर खरीदोगे? बिल्कुल भैया। तो उसका स्टॉक प्राइस भी राइज होगा, क्योंकि तुम क्या, पूरा इंडिया का हर आदमी चाहेगा हम टाटा का शेयर खरीदें। और जब डिमांड ज्यादा होता है, सप्लाई कम होता है, तो क्या करते हैं, प्राइस बढ़ा देते हैं, जिसके कारण डिमांड गिरे।
तो स्टॉक प्राइसेस भी राइज होंगे। और तो और बैंक बोलेगा टाटा को कि टाटा जी आइए हमसे उधार लीजिए ना, हम जानते हैं आप मेरे को मेरा उधार वापस कर सकते हैं। तो ये सारे चीज नेशनल आउटपुट, एग्रीगेट डिमांड, कैपिटल, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, सेल्स, प्रॉफिट, स्टॉक प्राइसेस, बैंक क्रेडिट, ये सब इस स्टेज में बढ़ते जाते हैं। भैया ये कब तक बढ़ेगा, ये सवाल मेरे दिल में आ रहा है कि मतलब पर्टिकुलर पॉइंट होगा जब तक ये बढ़े, तो ये बढ़ेगा, इट विल कंटिन्यू टिल फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस एंड प्रोडक्शन रीचेस इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। कब तक बढ़ेगा भैया, जब तक ना कंप्लीटली एम्प्लॉयमेंट ना हो जाए। मतलब मानो अगर टाटा 500 करोड़ का मटेरियल लेके रखा है, तो 500 करोड़ का मटेरियल यूज हो गया तो हम अपने पीक पे पहुंचेंगे। इसके बाद वाला स्टेज कब तक कंटिन्यू होता है, जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, सिंपल वर्ड, ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी तक, कि उसके बाद अब एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता, उसके बाद हम उसको यूज कर ही नहीं सकते, मेरे पास है ही नहीं। इस चीज का ना एक काफी इंटरेस्टिंग बात है, यहां पे इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बात करें। अगर इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मानो आज के टाइम पे देश में कोई भी एक बेरोजगार इंसान है, तो दो रीजन हो सकता है, या तो वो जानबूझ करे जिसको बोलेंगे वॉलेंटरी, या फिर उसका मजबूरी है जिसको बोलेंगे इनवॉलेंटरी। तो बोलता है कि इस स्टेज में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा, किसी का ऐसा मजबूरी नहीं होगा कि वो अनएम्प्लॉयड हो। अगर वो अनएम्प्लॉयड है, इसका मतलब ये उसका मर्जी है, ठीक है। तो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कितना होता है भैया, जीरो। एक आदमी भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो बिना मतलब का घर पे बैठा होगा, बेरोजगार, बोलेगा कि सरकार को कोस रहा होगा, नहीं। यहाँ पे वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जीरो है, ठीक है। अच्छा, मानो इफ देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट मिला, इनवॉलेंटरी का बात कर, मानो किसी रीजन से कोई देखे हम लोग कि लोग अनएम्प्लॉयड है, इफ देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट देन रीजंस आर फॉलोइंग, ये सारे रीजंस के कारण होगा वो अनएम्प्लॉयड, दैट्स इट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल मतलब भैया जॉब बदल रहा है, तो जॉब बदलने के बीच में एक टाइम आता है, मानो महीना भर उसको घर में बैठना पड़ गया, जॉब है उसके पास, बस महीना भर बाद से उसका ज्वाइन नहीं हुआ, ठीक है। या फिर मानो स्ट्राइक वगैरह होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, या फिर मानो इम्परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर, मतलब जो लेबर है उसका मोबिलिटी इम्परफेक्ट है। मोबिलिटी ऑफ लेबर मतलब किस ईज के साथ, कितने आराम से एक लेबर झारखंड से बिहार जा सकता है। तो मानो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मानो टाटा का ही कोई लेबर है जिसको झारखंड से बिहार भेजना है, एंड दे आर टेकिंग टाइम, तो उस टाइम पे वो अनएम्प्लॉयड होगा, इसके अलावा कोई रीजन नहीं होता, ठीक है। और क्या होता है भैया स्टेज में, प्राइसेस एंड कॉस्ट राइजेस फास्टर, हर चीज का दाम बढ़ने लगेगा। भैया दाम बढ़ेगा ये तो बुरा बात है ना, हर चीज का अगर दाम बढ़ने लगेगा तो हम भी कोई काम कर रहे हैं, मेरा भी प्रोडक्ट या सर्विस का दाम बढ़ेगा और हमको तो ज्यादा पैसा मिलेगा, तो अल्टीमेटली हर चीज का दाम बढ़ रहा है, हर किसी के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो बढ़ेगा। जब सबके पास ज्यादा पैसा होगा, आज तुम्हारे पास 15,000 है तो तुम कोई भी रेडमी या फिर रियलमी का फोन खरीदोगे, कल को तुम्हारे पास अगर 50,000 होगा
तो तुम महंगा फोन लोगे, एप्पल का लोगे, वन प्लस का लोगे, सैमसंग का लोगे, समझ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा भैया, सैमसंग का फोन का भी तो दाम बढ़ेगा, तो तुम्हारे पास जो पैसा है वो भी तो बढ़ेगा, है ना। ये तो हुआ एक स्टेज। इसके बाद अगला स्टेज है हम लोग का पीक। अगला स्टेज है पीक। इसका मतलब क्या होता है भैया? इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल। यहां पे ना लास्ट एक्सपैंड हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, अब ये लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए, अब इससे ज्यादा एक्सपैंड नहीं हो सकते। पीक क्या होता है ये ड्राइंग मत करना। अगर एक माउंटेन का बात करें तो ये राइजिंग वाला पार्ट है, इसको हम लोग एक्सपेंशन का नाम दे सकते, ये लास्ट पार्ट है, इसको हम लोग पीक बोलेंगे। इसके बाद तो गिरने लगेगा ना सब कुछ, तो पीक वो पॉइंट है जहां पे एक्सपेंशन खत्म होता है, ठीक है। अच्छा, और भैया ये हाईएस्ट पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि यार हम लोग एक पर्टिकुलर लेवल तक ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज मेरे को मानो फोन बनाने का ऑर्डर है, अरे हम 3 करोड़ फोन बनाते हैं, लेकिन मेरे पास 3 करोड़ फोन बनाने के लिए उतना इनपुट भी तो होना चाहिए। ये पॉइंट तब आता है, फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुका ऊपर में, अब भैया लेस इनपुट है हम लोग के पास, लेस इनपुट अवेलेबल, उतना सामान ही नहीं है कि हम लोग बना सकें। अब तुम समझो डिमांड मानो 500 फोन का और सप्लाई 300 फोन का, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, डिमांड को गिराने के लिए क्या करना होगा भैया? सिंपल सा बात है, उस चीज का दाम बढ़ा देंगे, डिमांड गिर जाएगा, तो अल्टीमेटली आउटपुट का जो प्राइस है वो राइज हो गया। इस सिचुएशन में आउटपुट प्राइस राइजेस, ठीक है। पीक में क्या होता है भैया? इनपुट रहता नहीं है, डिमांड तो बहुत सारा होता है, सप्लाई उतना होता नहीं है, तो हम लोग अपना जो सप्लाई है, अपना जो आउटपुट है, उसका दाम बढ़ा देते हैं, ठीक है। अभी तुम सोचो अचानक से वक्त बदल गया, यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर में सब कोई ज्यादा ज्यादा कमा रहा था, अब यहाँ पे भैया इनपुट ही नहीं है, बनाने के लिए सामान ही नहीं है, तो हमको क्या करना होगा? हम एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मालिक है, हम पीक पे पहुंच गए, अब मेरे पास उतना इनपुट नहीं है। पहले हम 500 आदमी को अपने पास काम पे रखे थे, 500 आदमी को सैलरी देते थे, अब हमको वहां से छटनी करना होगा, आदमियों को कम करना होगा, तो व्हाट विल आई डू? हम 500 से कम आदमी रखेंगे, मानो हम 200 आदमी को निकाले। अब तुम सोचो वो लोग तो अनएम्प्लॉयड हो गया, वो लोग कुछ कमा रहा है क्या? नहीं भैया। तो अल्टीमेटली तुम सोचो, वो तो एप्पल का फोन ले लिया, वो तो महंगा कार ले लिया, बट उसको मेंटेन भी तो करना होगा, महंगा कार में पेट्रोल भी तो ज्यादा लगेगा, तो वो एक ऐसी सिचुएशन पे है जहां पे उसका इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड बढ़ गया भैया उसका, रईसी दिखा दिया, अब उसको मेंटेन करने के लिए उसके पास क्या आ रहा है? ग्रेटर स्ट्रेन, ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि यार मेरे को उस कार में पेट्रोल भराना है और मेरे पास उतना पैसा ही नहीं। मानो जो बचा 500 एम्प्लॉयज था, 200 को निकाले, 300 बचा हुआ, वो लोग को भी कम सैलरी देंगे, क्यों भैया? प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, सेल ही नहीं हो रहा है, क्या करें? तो यहाँ पे उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर आ रहा है। अच्छा, ये स्ट्रेन बेसिकली किसको होता पता है? ग्रेटर स्ट्रेन ऑन फिक्स्ड इनकम अर्नर्स, जिनका सैलरी गिरा है वो लोग को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। जो अनएम्प्लॉयड हुआ उनका तो बैंड बच गया, बट जिनका सैलरी गिरा है उनको सर्वाइव भी करना पड़ेगा, अब उनको ऑफिस से, घर से ऑफिस जाना है, उनको उसी महंगा कार में जाना होगा, क्योंकि भाई वो स्टैंडर्ड बन चुका है मेरा हर जगह, और मेंटेन करने के लिए सैलरी कम, तो एक प्रेशर आ गया उनके ऊपर। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे एक्सपेंशन का अंत होता है, एक्सपेंशन एंड्स एट दिस पॉइंट, एंड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स। हमारे एग्जाम्पल में ये माउंटेन था, ये एक्सपेंशन था, ये पीक था, इसके बाद नीचे गिरेंगे ना, इस नीचे गिरने को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। चलो कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं।
कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है भैया, अभी तो आप बताएं, जब फॉल इन इन्वेस्टमेंट हो जाए, भैया मानी मोबाइल का जो आपका फैक्ट्री था, अब वहां पे डेली नया नया टेक्नोलॉजी ला रहे थे, अब ला पाएंगे क्या? नहीं मिले। अच्छा, इंप्लॉयमेंट में भी फॉल होता है इस लेवल पे, जो छटनी होता है वो बेसिकली इस लेवल पे होता है। पीक में तो हम लोग सबको, मतलब तुम सोचो, हम मोबाइल कंपनी का मालिक और तुम मेरे यहाँ पे मैनेजर हो, तो तुम खुश है, मेरा तो बहुत सैलरी है। ये सच्चाई कि मेरा कॉन्ट्रैक्शन आने वाला है, ये तुम मालिक को पता होगा ना। तो अन्य जो जो इम्प्लॉयमेंट में गिरावट होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन में स्टार्ट करते हैं। मैनेजर को बोलेंगे, मैनेजर, वो बोलेगा हाँ सर सैलरी बढ़ा रहे हैं। बोलेंगे नहीं, हम लोग पीक छू चुके थे, अब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप जितने भी इम्प्लॉयज हैं उनमें से खाली अच्छे वालों को रखो और जो इनएफिशियंट है थोड़े भी उनको निकाल दो। तो इम्प्लॉयमेंट लेवल पे गिरावट होगी। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर कैन नॉट एंटीसिपेट, आई होप तुम लोग सभी लिख रहे हो, दिस लेवल, दिस लेवल बिफोर हैंड। ये जो है एंटीसिपेट नहीं कर पाता प्रोड्यूसर। अभी हम पीक पे पहुंचे, हम खुश बैठे हैं, अरे मेरे को पता है सब कुछ अच्छा होगा। अचानक देखे, ओ भाई मेरे पास तो कम इनपुट है, हम समझ गए कि हम पीक पे आ गए, अब हम गिरेंगे, ठीक है। बट जितना दिन में, जितना देर में मेरे को ये रियलाइज होगा कि हम गिरेंगे, सब कुछ बर्बाद हो गया होगा। मेरे को तो पहले से पता नहीं था कि हम गिरने वाले, और इस चक्कर में हम क्या सोचें, इस महीना मेरे पास 1000 मोबाइल का ऑर्डर है, अगले महीना 1500 आएगा। क्यों? हम तो ट्रेंड देख रहे हैं ना, 200 था, 300 हुआ, 400 हुआ, 500 हुआ, ये ऐसे बढ़ते बढ़ते 100 बढ़ते हुए 1000 लोग हमसे फोन मांगे। अब गारंटी है कि अगले महीना 1100 या 1200 लोग मांगेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे प्रोडक्शन। लिखो, प्रोड्यूसर कैन नॉट एंटीसिपेट दिस लेवल बिफोर हैंड एंड कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग एज पर एंटीसिपेटेड डिमांड। मतलब हम 1200 बनाने को जाएंगे कि भाई 1200 मोबाइल बना दें, 1200 लोग को बेच दें, बट हमको क्या पता है कि फ्यूचर में इनपुट कम पड़ेगा और अचानक से डिमांड गिरने लगेगा। डिमांड क्यों गिरेगा? क्योंकि लोगों को काम नहीं मिलेगा, लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा, तो मतलब खरीदेंगे कैसे फोन, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, डिस्क्रिपेंसी, या फिर और डिफरेंस भी बोल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हम लोग क्या सीखे थे भैया, सबसे बेस्ट क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस। यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस होगा? नहीं, डिमांड सप्लाई में तो बहुत अंतर आ गया। होता क्या है, सप्लाई हम ज्यादा बना के रख देंगे, सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, हम ज्यादा 1200 पीस बना के रख दी, उनके पास पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए, ओ भाई मेरा तो 1200 पीस में से बहुत सारा का नुकसान होगा, ठीक है। एक टाइम आता है व्हेन प्रोड्यूसर्स रियलाइजेस दैट दे इंडल्ज्ड इन, एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे ये लोग को समझ में आता, वो भाई मैंने तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया, एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। तो अब वो क्या करेगा, समझो, अब वो होल्ड बैक करेगा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, बोलेगा भाई और पैसा कहीं मत लगाओ, रुक दो और नहीं बनाना है। अच्छा, और कैंसलेशन एंड स्टॉपेज ऑफ ऑर्डर्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, और लेबर लेंगे क्या भैया बनाने के लिए, नहीं सामान, कैपिटल और मांगेंगे, क्यों मांगे, डिमांड ही नहीं है, समझ आ रहा, ठीक है भैया।
अच्छा ये बताइए इसके कारण क्या होगा, डिक्रीज इन इनपुट डिमांड। जो इनपुट होता है मेरे, हम मोबाइल बनाते हैं, मेरे लिए इनपुट क्या है भैया, मोबाइल का शेप, मोबाइल के लिए जो कवर होगा उसका प्लास्टिक, प्लास्टिक प्लास्टिक का डब्बा बनेगा, बहुत सारे इनपुट होते हैं, तो वो सब में डिमांड गिरेगा, वो सब हम नहीं मांगेंगे, वो सब का हम डिमांड नहीं करेंगे। पुल्स इनपुट डिमांड डाउन, और क्या करेंगे हम भैया, अपने वर्कर लोग को कम वेजेस देंगे क्योंकि मेरा तो सामान बिक ही नहीं रहा है, और लो प्राइसेस सेट बाय प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स दाम गिराने लगे ताकि उनका जो बचा हुआ स्टॉक है वो बिके, टू डिस्पोज एक्सेस स्टॉक। अच्छा इसका ये इम्पैक्ट होगा, वेजेस गिर जाएगा, हम सामान का दाम गिरा देंगे ताकि मेरा सामान सड़ जाए। ओके, अब कंज्यूमर के नजर से देखते हैं, कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स फर्दर फॉल इन प्राइस। कंज्यूमर क्या सोचेगा, अरे रुको ना, अभी अभी कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, दाम और गिरेगा, ठीक है, प्राइस और गिरेगा, तो वो पोस्टपोन कर देगा, एंड पोस्टपोन देयर डिमांड, बोलेगा अभी मत लेना, बाद में लेना, और दाम गिरेगा। तो हम तो अपना दाम गिरा दिए और वो सोच रहा है और दाम गिरेगा, तो वो खरीद नहीं रहा है, यहां तो बहुत दिक्कत हो रहा है। ये सबका रिजल्ट क्या होगा पता है, ये सबका रिजल्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, हम कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हो सकता है मेरा इन्वेस्टमेंट बंद हो जाए, हम फिर क्या नया मशीन खरीदेंगे, नया जगह खरीदेंगे, कहीं भी अपना पैसों को लगाने पूछेंगे नहीं, और प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन। जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे थे, जो हम नौकरी दे रहे थे वो कम नहीं, और फॉल इन इनकम, इनकम गिरेगा लोगों का, डिमांड गिरेगा, कैसे गिरेगा हम बता दिए, कंजम्पशन गिरेगा, कैसे गिरेगा हम बता दिए। सिर्फ इतना नहीं, जो फर्म्स है, फर्म्स बिकम पेसिमिस्टिक। देखो दो टाइप के लोग होते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच वाले, एक पेसिमिस्टिक अप्रोच वाले। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव सोचना, पेसिमिस्टिक मतलब नेगेटिव सोचना। तो फर्म का जो ओनर है, आई एज एन ओनर ऑफ द मोबाइल फैक्ट्री, हम नेगेटिव सोचने लगेंगे कि यार सामान बिक ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है, तो इसके कारण हम क्या करेंगे, एंड दे एक्सपेक्ट, हम क्या सोचेंगे, जितना आप कम प्रॉफिट में मेरा सामान सड़ जाए, भाई सामान सड़ा, एक्सपेक्ट लेस प्रॉफिट। गेम यहां तक नहीं रुका, नेशन में देखो देश को क्या असर पड़ रहा है, बैंक हमको उधार देगा नहीं, बैंक का क्रेडिट जो है वो कम हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और भैया बेरोजगारी बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, प्लस लेस वेज रेट होगा, मार्केट में वेज जो मिलेगा लोगों को कम मिलेगा, इतना कुछ होगा कॉन्ट्रैक्शन के स्टेज। अभी बात करते हैं वही वाला डायग्राम के बारे में, एक्सपेंशन हुआ, पीक पहुंचा, कॉन्ट्रैक्शन, ये साइकिल है ना, तो ये वापस से एक्सपेंड होगा कभी ना कभी, बट ये जो लास्ट पॉइंट है ये तो है पीक, जहां पे वो बेस्ट था, इसका वर्स्ट पॉइंट भी आएगा जिसको बोलेंगे डिप्रेशन। साइकिल है ना, तो ये तो नेवर एंडिंग है, ऐसे 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 होते रहेंगे, है ना, तो जो ऊपर वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पीक, और जो नीचे वाला पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। ठीक है, ओके भैया, अब आते हैं फोर्थ पे।
फोर्थ स्टेज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन, या फिर ट्रफ भी बोलते हैं। ट्रफ क्या होता है पता है? हम लोग ऐसा फनल देखे होंगे, याद है, जिससे हम लोग तेल वगैरह डालते हैं, कोई भी लिक्विड सामान को किसी बॉटल में डालने के लिए इस फनल का यूज होता है। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको ट्रफ बोलते हैं। तो डिप्रेशन भी ऐसा ही, देख हमारे जो ग्राफ था उसके अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं, है ना, इसीलिए यहाँ पे इसको ट्रफ बोलते हैं। अभी डिप्रेशन में क्या क्या होता है, देखो, सीवियर फॉर्म ऑफ रिग्रेशन, स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, शेयर मार्केट गिरने लगेगी, लोग कम सामान खरीदेंगे, जरूरत का सामान खरीदेंगे, लग्जरी आइटम्स का डिमांड बहुत गिर जाएगा, नेसेसिटीज का होगा बट वो भी कम लेवल पे होने लगेगा, कम दाम मिलेगा, और ग्रोथ रेट जो है, ग्रोथ रेट वो तो भैया नेगेटिव चल रहा है, बुरा वक्त आया हुआ इसका, बिकम्स नेगेटिव, ये माइनस वी को बोलते हैं नेगेटिव। और भैया देश के नजर से देखें तो नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पूरा देश का कमाई और पूरा देश जो खर्च कर रहा है वो डिक्लाइन हो जाता है, और बहुत स्पीड में होता है स्टेज पर, डिक्लाइन रैपिडली, बुरा वक्त है ना, बुरा वक्त में बहुत स्पीड से होता है, डिमांड तो एकदम गिरने लगेगा, डिमांड डिक्रीजेस, इस पॉइंट पर डिमांड भी गिर रहा है, ठीक है, और प्राइस अपने लोएस्ट पहुंच जाएगा, प्राइस एट लोएस्ट, ऐसे ऐसे लोग भी होंगे जो कॉस्ट पे सामान बेचेंगे, अरे मेरा ही मोबाइल था 5,000 रुपया बनाने में लगता था, हम 10 में बेचते थे, 5,000 प्रॉफिट कमा के खुश होते थे, धीरे धीरे दाम गिराए 5 से 6 में आए, कोई नहीं गिरा, 5,000 में बेच रहे, हो सकता है हमको 4,500 में बेचना पड़े, 500 का नुकसान करके बेचना पड़े ताकि मेरा पूरा 5,000 का नुकसान ना हो, ये वक्त भी इसमें आ जाता है, ठीक है। और फोर्सिंग एंड शट डाउन, एंड फोर्सिंग शट डाउन ऑफ फर्म्स, फर्म्स जो है जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, सब बंद होने लगेगा, लोग अपने जेब से पैसा दे रहे हैं, भाई बंद होगा कि नहीं होगा, और क्या होगा भैया, अनएम्प्लॉयमेंट तो भयानक, बेरोजगारी अलग लेवल पे चलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस। अच्छा, इसके कारण क्या होगा, लोगों के पास कम पैसा होगा खर्च करने के लिए, लेस डिस्पोजेबल इनकम, लेस डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम विथ कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास कम पैसा होगा खर्चने के लिए, और क्या होगा, फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट हम जिस लेवल पे, जिस पे उधार दे रहे थे तुम, वेरी इंपॉर्टेंट, वो गिर जाएगा। आज बैंक टू बैंक का काम क्या है, एक जगह से पैसा लेना, एक जगह पे पैसा देना, अब हम यहां से पैसा ले लिए, ये हमसे ज्यादा इंटरेस्ट सोच रहा है, बट ये देगा क्या, इसका औकात है क्या अभी देने का, नहीं भैया, तो इंटरेस्ट रेट को गिराना पड़ेगा। इसके कारण क्या होगा, बैंकरप्सीज, लोग का दिवाला निकलेगा, घपला एंड लिक्विडेशन, कंपनीज का लिक्विडेशन होना शुरू हो जाएगा, बंद होने का प्रोसेस जो होता है लिक्विडेशन बोलते हैं उसको, वो शुरू हो जाएगा। पता है पूरा दुनिया एक टाइम पे डिप्रेशन फेस किया था, बहुत भयानक लेवल पे, उसको बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, एक टाइम था अराउंड 1929 से लेके 1933 तक जब ग्रेट डिप्रेशन था, ये 3-4 साल के लिए बहुत बड़ा लेवल पे डिप्रेशन चल रहा था पूरे देश में, पूरे दुनिया में। भैया चारों स्टेज हो गया, हम लोग अगर देखें, एक्सपेंशन समझ गए भैया, सब कुछ अच्छा होता है, पीक बेस्ट पे चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन पीक के बाद वाला स्टेज है भैया, जैसे ही हम पीक में पहुंचेंगे
हमको समझ में आ जाएगा कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। फिर डिप्रेशन सबसे बुरा वक्त, और फिर एक्सपेंशन। तो भैया जो डिप्रेशन से एक्सपेंशन में जाते हैं उसको रिकवरी बोलते हैं, तो उसके बारे में भी जानते हो। पॉइंट नंबर 5, रिकवरी। यहां पे क्या होता है, स्टार्ट्स रिकवरिंग आफ्टर रीचिंग लोएस्ट पॉइंट, अपने आखिर पॉइंट पे पहुंचने के बाद धीरे धीरे रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, और एंड ऑफ पेसिमिज्म, बुरा जो सोच रहे थे, पेसिमिस्ट जो बन के थे, नेगेटिव नेगेटिव सोच रहे थे, वो खत्म करो, अब थोड़ा बेहतर सोचो, पॉजिटिव सोचो, बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, यहां से बेहतर सोचना स्टार्ट कर देते हैं। पेसिमिज्म मतलब नेगेटिव, ऑप्टिमिज्म मतलब ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिव। अभी तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, और तुम्हारे पास एक ऐसा नौकरी है जहां तुमको कम पैसा मिले, व्हाट विल यू चूज? ऑब्वियसली भैया कुछ भी मिले, जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट फोर्सेस वर्कर्स टू एक्सेप्ट लोअर वेजेस, कम वेज में भी हम काम करेंगे भैया। ये सबके बाद मालूम है, टाइम कम्स, एक ऐसा वक्त आता है, बिजनेस कॉन्फिडेंस टेक ऑफ, बिजनेस का जो कॉन्फिडेंस है वो टेक ऑफ करता है, इनको खुद में कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। और ये लोग धीरे धीरे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग अगेन। अब इन्वेस्ट करेंगे तो उधार चाहिए होगा, तो बैंक का क्रेडिट बेहतर होता है, बैंक क्रेडिट गेट्स बेटर। और तो और इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। अच्छा, और धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट भी बेहतर होते जाएगा, लोगों को काम मिलेगा, लोग ज्यादा काम करेंगे, कमी वेज पे करेंगे लेकिन काम तो ज्यादा करेंगे, जिसके कारण धीरे धीरे सबका प्राइस फिर से राइज होगा और सब कुछ बेहतर होने लगेगा, ग्रेजुअली प्राइस ग्रेजुअली राइजेस, ठीक है। तुम लोग को एक बात बताते हैं, ये भैया ये सब होता कैसे है, कोई करता है क्या? नहीं, ये इसको बोलते हैं हम लोग प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस का बढ़ना घटना, इसको प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं। और ये जो होता है इज अ सेल्फ करेक्टिंग प्रोसेस, ये खुद से अपने आप को बेहतर करते जाते हैं, ये इकोनॉमी का चलने का रूल है, ठीक है। भैया दिन और रात क्यों होता है, ये रूल है, यूनिवर्स का रूल है। उसी तरीके से प्राइस मैकेनिज्म अपना एक रूल है, खुद को करेक्ट खुद से कर लेता है, ठीक है। सो दैट्स इट, ये बिजनेस साइकिल का पहला पार्ट है।